हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, आज मैं आपको विंटर के एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बातें करने जा रही हूँ, जिसे हम लोग कैलनचो के नाम से जानते हैं, या कैलन कोई भी उसे हम लोग कहते हैं, जो कि गुच्छों में भर भर कर फ्लावरिंग देते हैं। और काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट हैं ये, बहुत ही ईजी टू केयर, ईजी टू मेंटेन फ्लावरिंग प्लांट है। न्यू गार्डनर बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ही आइडियल है ये प्लांट। तो दोस्तों, बहुत ही अलग अलग कलर्स में आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर आते हैं, देसी हाइब्रिड दोनों तरह की ये आती है। और मेरे पास जो प्लांट है ये देसी वाली कैलनचो है, और हाइब्रिड वाली आती है जिसमें मल्टी पेटल्स होते हैं। इसमें जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये सिंगल पेटल है, तो वो मल्टी पेटल के आते हैं और काफ़ी भर भर कर वो हेवी ब्लूमिंग देते हैं, और सिंगल वाला भी काफ़ी हेवी ब्लूमिंग देते हैं। हाइब्रिड वाला का क्या है कि उसे थोड़ा सा देसी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, और ये बिल्कुल ही केयरलेस आप रख के तो भी ये अच्छे से चलता है, हैप्पीली चलता है, कोई भी केयर इसको नहीं करना पड़ता। ये ब्रायोफिलम फैमिली को बिलोंग करता है और उसी की एक ये स्पेसीज है। तो दोस्तों, इसकी लीफ, ये सकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं, और इसके लीफ में काफ़ी वाटर स्टोर रहता है, और जिस तरह आप लोग देख ही रहे हैं, ये देखिए, तो ये काफ़ी कम पानी में ये चल जाता है, बहुत ही इजी टू केयर है। और अगर आप लोग इसको पानी आप दो चार दिन देना भूल भी जाएं, तो ना इसके फूल मुरझाएंगे और ना इसके पत्ते मुरझाएंगे। देखिए, काफ़ी इसमें वाटर स्टोर रहता है, आप लोगों को दिख रहा हो तो। तो दोस्तों, अगर इसकी मिट्टी की बात करूं तो इसे काफ़ी ही वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद होती है, और वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए बनाइए, और सॉगी सॉइल बिल्कुल भी नहीं बनाइए। और एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट कंपोस्ट, और एक भाग रिवर सैंड की इसको दीजिए आप लोग, तो काफ़ी अच्छा इसके लिए वेल ड्रेन और फ्री फ्लोइंग सॉइल बनाइए। पानी रुकना नहीं चाहिए, इसकी लीफ में पानी इसमें स्टोर रहती है, तो इसीलिए इसकी वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, वरना फंगस लग सकता है इसमें। और वाटरिंग की बात करूं तो कैलन कोई को बहुत ज़्यादा वाटरिंग ऑफर नहीं करनी चाहिए, मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग हम लोगों को इसको प्रोवाइड करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। विंटर में ये बहुत ही भर भर कर ब्लूम करता है, और एक बार ब्लूम हो जाता है तो महीनों दिन तक इसके फ्लावरिंग खिले हुए रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देसी वाला है मेरे पास, रेड कलर का, कई कलर्स में ये आते हैं, रेड ऑरेंज, बहुत सारा प्यारा प्यारा इसका कलर है, और हाइब्रिड वाला भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो वाटरिंग देखकर करें दोस्तों। और सनलाइट की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी होती है, उसके बाद इसको तीन से चार घंटे की सनलाइट के बाद इसको थोड़ा सा सीडी एरिया मिलना चाहिए, दोपहर की सनलाइट इसे नहीं चाहिए। और बहुत जल्दी इसके मिट्टी अगर में पानी रुक जाए तो फंगल इन्फेक्शन होके इसके पूरा फंगस वगैरह इसके लीफ को ख़राब कर देता है, पत्तियों को, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको वाटरिंग में केयर चाहिए। और फंजीसाइड का स्प्रे इसको करते रहिए बीच बीच में, नीम ऑयल का स्प्रे गार्डन में हम लोगों को, जैसे सारे प्लांट में करते हैं, तो इसके भी पत्तियों के ऊपर हम लोगों को फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, या नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। और कभी भी फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, टॉप ऑफ द प्लांट, टॉप ऑफ द फ्लावर्स, कभी भी इसको वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसे वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड फर्टिलाइज़र या सरसों कली की लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और जब हम लोग सारे प्लांट में फर्टिलाइज़र ऑफर करते हैं तभी इसको भी हम लोगों को फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए। और मिट्टी बनाते समय तो हम लोग खाद देते हैं इसे, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, कम खाद में भी काफ़ी अच्छे से ये हेल्दी ग्रो करते हैं।
लेकिन कोई भी विंटर प्लांट हम लोग जब भी लगाते हैं तो उनमें भर भर कर ब्लूम्स आते हैं, भर भर कर फ्लावरिंग होती है। तो ख़ास करके कैलेंचो में हम लोग बोन मिल भी साथ में ऐड करके दें सॉइल मिक्स में, और नीम खली। तो एक तो नीम खली मिलाने से उनमें कोई भी फंजी फंगस का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा, और हम लोगों को फंगीसाइड का स्प्रे रेगुलर अंतराल पे करना चाहिए, और वैसी फंगीसाइड का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जो सिस्टमिक हो, जो रूट के थ्रू प्लांट में अब्जॉर्ब हो और डायरेक्टली सॉइल से वो प्लांट के हर भाग में पहुंच जाए। सिस्टमेटिक फंगीसाइड का हम लोग इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है, या फिर साफ हम लोग कर सकते हैं यूज उसके स्प्रे हम लोग रेगुलर अंतराल पे, और सॉइल मिक्स बनाते समय भी हम लोग फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हल्दी का स्प्रे भी हम लोग कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। हल्दी भी एक अच्छा होममेड फंजीसाइड का काम करता है, तो इस तरह से। और बोन मिल इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो बहुत ही हेल्दी रखता है ये कैलेनकोई के प्लांट को। तो बोन मिल भी हम लोग एक चम्मच सॉइल बनाते समय डाल सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम लोग देते ही देते हैं, और स्प्रे इसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी पत्तियों में जो पानी हम लोग इसकी पत्तियों में जो पानी स्टोर रहता है उस कारण से, खास करके इसमें वाटरिंग का मैं बार बार इस बात को आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इसकी लीफ में देखिए पत्ती में पानी स्टोर रहता है, तो इसीलिए इसको पानी एकदम केयरिंग करके दीजिए, कम से कम पानी दीजिए, जब ज़रूरत हो मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दीजिए। और काफ़ी फ्लैसी सा जेल इसमें भरा रहता है इसकी लीफ में, तो इसीलिए इसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम लोग अपने गार्डन में बाउंड्री के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने जिस जगह पे इसे रखी हुई है यहाँ पर सुबह की 3 घंटे से 4 घंटे की सनलाइट इसमें पड़ती है, और उसके बाद यहाँ दोपहर की सनलाइट नहीं पड़ती है इस वाले भाग में, इसीलिए मैंने इसको इस जगह पे रखी हुई है। तो आप लोग भी ऐसी जगह इसको रखिए, हालाँकि ये मेरा देसी वाला है, ये सारे दिन की धूप भी बर्दाश्त कर लेता है, और ये साल दर साल साथ निभाता है अगर हम लोग इसको समर में सेव कर ले। ये मेरा लास्ट ईयर का ही प्लांट का कटिंग से मैंने इसको तैयार की है, एक छोटी सी कटिंग मुझे मेरी फ्रेंड से ये मिला था, फिर उसी कटिंग से मैंने इन सब को ग्रो किया है। प्रोपेगेशन बहुत ही आसान है इसका, और मैंने इसकी एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करें, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और दोस्तों आगे बात वीडियो की टॉपिक बढ़ाने से पहले आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए और ला सकूं, और बिना किसी बाधा बिना किसी रुकावट के आप सभी तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ना दोस्तों, वो भी बेल बटन के साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बात कर रही हूँ मैं इसको किस किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, किसी ऐसे सेडी एरिया पे हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं जिनके ज़्यादा स्पेस नहीं है, बालकनी गार्डनिंग जो करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी आइडियल होता है ये प्लांट, क्योंकि बालकनी सब में एक लिमिटेड टाइम के लिए ही धूप आती है, तो उसके लिए बहुत ही आइडियल है। और ख़ास करके हाइब्रिड वाला कैलेंचो तो और भी ज़्यादा आइडियल बालकनी गार्डनिंग के लिए, और देसी वाला तो फिर भी धूप बर्दाश्त कर लेता है और इसे सेव कर ले तो साल दर साल ये हमारा साथ चलता है, और पिछले साल की कटिंग से ही मैंने इसे ग्रो की है। तो प्रोपेगेशन काफ़ी आसान है, एक लीफ से भी ये प्रोपेगेट कर लेता है और कटिंग से भी ये प्रोपेगेट कर लेता है, और इसकी स्टेम कटिंग से ये तो काफ़ी अच्छा प्रोपेगेट करता ही है, लीफ से भी इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है ईजली। तो कहीं से भी आप एक लीफ भी जुगाड़ कर ले तो आपके लिए काफ़ी होता है, हालाँकि टाइम लगता है लीफ से प्रोपेगेट होने में, तो बेहतर यही होता है कि एक स्टेम की कटिंग आप कहीं से ले आइए और उसको आप ग्रो करिए। और बात करूँ तो किस किस तरह से हम लोग लगा सकते हैं इसे अपने गार्डन में, बाउंड्री भी हम लोग इसकी दे सकते हैं, एक रो में इसको लगा सकते हैं देसी वाले को, क्योंकि ये थोड़ा धूप भी बर्दाश्त कर लेता है। और
इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो बहुत ही दिनों तक ये चलता है, बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है, महीनों दिन तक ये खिला रहता है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, ब्लूमिंग इसका ब्यूटीफुल कलर्स इसके आते हैं, तो ज़रूर इसे अपने गार्डन में स्थान दे, मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ आप सभी से। और जब इसके इन्फ्लोरेसेंस खिल जाते हैं तो बहुत ही दिनों तक इसकी स्टिक इस तरह से जो स्पेंड हो जाते हैं, कट कर दीजिए नीचे से, तो फिर से इसमें नया स्टिक निकल कर और उसके इन्फ्लोरेसेंस खिलेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो अपने गार्डन में ज़रूर इसे लगाइए दोस्तों। तो और सनलाइट की बात बता दी, वाटरिंग फर्टिलाइजर की बात बता दी मैंने, और फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो अपने गार्डन की कुछ ब्लूम्स को दिखाते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, और इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में स्थान दे। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और देखिए कितना भर भर कर ये ब्लूम हो रहा है। और हाँ दोस्तों, ये फोटोफिलिक प्लांट होता है तो कुछ कुछ बातें छूट जाती हैं, ये फोटोफिलिक प्लांट होता है तो इसे खिलने के लिए रातें लंबी चाहिए होती हैं, और दिन में सर्दी थोड़ा चाहिए होती है। तो डालिया देखिए किस तरह से खिल रहे हैं एक एक करके दोस्तों। और शूट करते करते थोड़ा शाम हो गया है तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा अंधेरा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए कुछ थोड़ी बहुत ब्लूम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा आप सभी। तो दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेती हूँ इसी के साथ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।